हेलो फ्रेंड्स। तो आज मुझे जाना है खेत, क्योंकि मेरी माई गई है खेत प्याज खरीदने के लिए और मुझे उस प्याज को लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ मेरे खेत। मेरा प्याज देख लीजिए कितना हुआ है, मैंने कितना प्याज बोआ है। और वैसे में जो प्याज था ना, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने प्याज को लगा रहा था, प्याज में पानी भर रहा था एंड आज उसका दिन आ गया है प्याज को खरीदने वाला। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ प्याज खरीदते हैं साथ में, या फिर अगर खाना हुआ होगा तो साथ में लेकर आते हैं। फाइनली दोस्तों, तो हम साइकिल ले लिए हैं और हम चलते हैं अपने खेत की तरफ। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। ऐसे ही गाना गाते हुए हम चल रहे हैं खेत। आइए कुछ खेत का नज़ारा दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप इधर फायर प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, जानवरों से सुरक्षा के लिए सब तमाम तरह के उपाय लगाए गए हैं। बच्चे कच्ची बिल्ली खेल रहे हैं। हम तेरे बुलाते एंड ये फाइनली आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना पंचायत भवन है, काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है। चारों तरफ से जाली जाली दिख रही है। इधर भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ जालियाँ लगी हैं एनिमल्स, जो लिली गाय होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए। आइए तो अपने खेत पहुँचने वाले हैं, तो मैं अपने खेत पहुँच चुका हूँ, अब चल रहा हूँ अपने खेत की तरफ। दोस्तों अपने खेत में पहुंच चुके हैं और मेरे माई ने प्याज को खन दिया है, मतलब कुछ हिस्सा तक खन दिया है, बाकी भी हिस्सा खनना बाकी है। अब प्याज को जो कि बाला जा रहा है, तो ये दिखाते हैं, मेरे माई प्याज को बाल रही है, फिर इसके बाद हम उसको भर कर फिर इसके बाद लेके जाएंगे उसको घर अपने। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे मेरे माई प्याज को बाल रही है। एक्चुअली बालना मतलब कि जो प्याज का निचला हिस्सा होता है ना उसको पकड़ कर, बाकी जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बीच से काट दिया जाता है, तो उसी को कह रहे हैं बालना। ठीक है, ये हमको दिखाते हैं जिस खेत में मतलब मैंने लगाया था प्याज, इस फूल में मैंने लगाया था, तो इसका लगभग वहाँ तक हिस्सा काट जा चुका है, मतलब ऊपर आ जा चुका है। आइए दिखाते हैं आपको, हाँ से लेके वहाँ तक अभी खाना जा चुका है एंड अभी इतना बाकी। इधर आइए हमको दिखा देते हैं इस साइड, ये पूरा बाकी है इधर, इधर अभी इतना बाकी इस साइड प्याज एंड फिर थोड़ा बहुत प्याज यहाँ पर भी लगा हुआ है। इधर देखिए आप लोग, इधर भी लगा हुआ है, तो अभी प्याज को बांधने का काम जो है कि जारी है। हमने सोचा था कि प्याज बला गया होगा तो हम आएंगे बोरा में भर करके चले जाएंगे, खैर लेकिन अभी तो चालू है, देखते हैं कब तक काम ख़त्म हो जाए। खेत के दूसरे तरफ भी दिखा देते हैं, इस साइड आप देख सकते हैं इधर ये बोरा लगाया गया है, इधर बोरा है, उधर आइए उधर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। इधर मान लीजिए बोरा लगाया गया है, बोरा की सब्ज़ी हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी खाते हैं हम। इधर कोहरा लगाया गया है, इधर कोहरा है, इस साइड कोहरा का पेड़ है, ये साइड आप देख सकते हैं कोहरा का पेड़। बाकी पपाया जो भी हम खाते हैं, इधर पपाया का पेड़ भी लगाया गया है और पपाया लगभग सब ख़त्म हो गया है, तीन चार पेड़ है देखिए इधर, एक दो तीन चार पाँच जो पेड़ है, तो पपाया जो है कि अब ख़त्म हो गया है, अभी फिर से इसमें आएंगे तो फिर खाया जाएगा। देख सकते हैं मेरी माई प्याज काट रही है। हम वेट कर रहे हैं कि कब प्याज कट कर खाली हो तो हम इसको बोरा में भरें सब फिर लेकर चलें, अभी तो और भी सारा प्याज खनना बाकी है। फाइनली दोस्तों, तो मेरा जो प्याज था, मेरी माई ने प्याज को काट दिया है, देख सकते हैं इधर, तो हम चल रहे हैं इसको बांधेंगे, फिर इसके बाद साइकिल में लाद कर फिर लेकर चलेंगे घर। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों तो मैंने प्याज को अपने बोरिए में भर कर इसको बांध दिया है, अब मैं चलूँ अपना साइकिल लाने, फिर साइकिल में हम बोरियाओं को रख कर लेकर चला जाएगा घर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली मैंने प्याज को अपने साइकिल में रख लिया है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हम चल रहे हैं घर की तरफ ऐसे ही पैदल, क्योंकि मैंने प्याज को फ्रेम भी लादा है, तो हम चल रहे हैं पैदल और जो प्याज बचा हुआ है उसको बाद में जो है कि खन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की जर्नी,
मिला जाए नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।